सांसद जया बच्चन जो बॉलीवुड की अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, वो भी सीनियर अभिनेत्री, लेकिन अब एक्टिंग से दूर हैं और राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इस वीडियो में जया बच्चन से जुड़ी कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जिस तरह के विवाद में जया बच्चन आज सुर्खियों में बनी हुई हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार जया बच्चन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हैं, विवादित हुई हैं। आपको बताया कि सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से सिनेमा जगत में कदम रखा था जया बच्चन ने। यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र 15 साल की थी। तब से लेकर अब तक जया बच्चन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से शिक्षा ली। जया फर्स्ट ईयर में थी तभी मृणाल सेन ने भुवन शोम फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन संस्थान की ओर से मना कर दिया गया। संस्थान का कहना था कि इससे दूसरे छात्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी भोपाल में एक अखबार में पत्रकार थे। जया के परिवार में उनकी माँ इंदिरा के अलावा बहन रीता है। उनके घर में शुरुआत से पढ़ने लिखने वाला माहौल था। परिवार फिल्म सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ था, इस वजह से घर में सिनेमा के बारे में बातें होती रहती थी। जया बच्चन ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, एक दिन मेरे पिता किसी फिल्म की शूटिंग दिखाने ले गए, वहीं से मेरी रुचि फिल्मों की तरफ हुई। हिंदी सिनेमा जगत में जया बच्चन को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से पहचान मिली। उन्होंने अब तक करीब 50 फिल्में की हैं। 1973 में जया ने अमिताभ बच्चन से शादी की। शादी के बाद 18 साल तक वो फिल्मों से दूर रहीं। उन्होंने फिल्मों की बजाय बच्चों के पालन पोषण में समय बिताया। 1998 में फिल्म 1084 की माँ से उन्होंने वापसी थी। फिलहाल जया अपना समय पढ़ने लिखने में बिताती हैं। 2004 में अमर सिंह ने पहली बार मुलायम सिंह के सामने जया बच्चन का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया। 2004 में जया राज्यसभा सांसद चुनी गई। इसी बीच 2006 में यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिस के लाभ के पथ पर होने की वजह से वो राज्यसभा में अयोग्य साबित हुई। 2012 में वो तीसरी बार सांसद रही। 2018 में वे चौथी बार यूपी से समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद चुनी गई। जया बच्चन और विवादों का पुराना नाता रहा है। उन्होंने अभिषेक बच्चन की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को बकवास बताया था। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार द्वारा ऐश्वर्या को ऐश कहने पर भी वो भड़क गई थी। जब शाहरुख खान ने ऐश्वर्या पर एक टिप्पणी की थी तब जया ने शाहरुख को थप्पड़ तक मारने की बात कही रही। जया बच्चन कई बार फोटोग्राफर्स पर भड़क चुकी हैं। मुंबई के एक कॉलेज में पहुंची जया बच्चन ने बच्चों को अनुशासनहीन कह दिया था। एक अन्य इंटरव्यू के दौरान जब जया बच्चन से अमिताभ बच्चन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि वो बच्चन परिवार की प्रवक्ता नहीं है। इस तरह के कई तरह के विवादों में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हमेशा ही रही हैं जया बच्चन। ऐसे में अब उनका जो नया वाला बयान आया है कि एक जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जिस पर बॉलीवुड का एक तबका जो है इनके समर्थन में है, तो वहीं दूसरा जो तबका है वो कंगना रनौत और रवि किशन के समर्थन में है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जया बच्चन के बारे में आप ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सकें।